हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑन माय चैनल डेली एमसीक्यू का ये थर्टींथ क्लास है हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें टेन एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज और अभी जो है जनरल साइंस का टॉपिक चल रहा है और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले में जाकर देख सकते हैं तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एम सी का दम तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम वट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटांस इन फ्लोरेशन ट्यूब फ्लोरेशन ट्यूब में कौन सा सबस्टांस का जो है कॉमनली यूज होता है तो ऑप्शन है आपके सामने सोडियम ऑक्साइड एंड आर्गन सोडियम वेपर एंड न्योन मरकरी वेपर एंड आर्गन और मरकरी ऑक्साइड एंड न्योन इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी मरकरी वेपर और आर्गन का जो यूज है फ्लोरोसेंट ट्यूब में मोस्ट कॉमनली होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हम ट्रांसफॉर्मर वर्क विथ एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो किस पे काम करता है तो ऑप्शन है आपके सामने अल्टरनेटिंग करेंट डायरेक्ट करेंट बोथ अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करेंट और नन ऑफ दीज तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए अल्टरनेटिव करेंट जो ट्रांसफॉर्मर है वो अल्टरनेटिव करेंट पे काम करता है और ट्रांसफार्मर का, का काम क्या होता है वोल्टेज को जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन करना इसका काम होता है स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को अप करना और वोल्टेज को डाउन करना ये इसका ट्रांसफार्मर का काम है क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उससे क्या पता लगाया जाता है तो ऑप्शन है आपके सामने अल्टरनेट करेंट डायरेक्ट करेंट इंड्यूस्ड करेंट और एक्चुअल करेंट तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंड्यूस करेंट मतलब कि प्रेरित धारा प्रेरित धारा का पता लगाया जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इसमें होता क्या है कि थम को आप ऊपर की ओर कर लीजिए और आपका जो इंडेक्स फिंगर है और आपका मिडिल फिंगर है इसको 90 डिग्री पे रखिए आप और इसमें जो थम है वो क्या दिखाता है मोशन ऑफ कंडक्टर कंडक्टर का मोशन दिखाता है ये उसके बाद जो इंडेक्स फिंगर है आपका वो क्या दिखाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आपका इंडेक्स फिंगर दिखाता है और जो मिडिल फिंगर है वो क्या दिखाता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इंड करेंट का जो डायरेक्शन होगा वो आपका मिडिल फिंगर दिखाएगा तो ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और ये जो है यूज होता है किसका पता लगाने के लिए इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन का पता लगाने के लिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम हु इन्वेंटेड द बैटरी बैटरी जो है उसको किसने इन्वेंट किया था तो ऑप्शन है आपके सामने वोल्टा रोन्डगन फराडे और मैक्सवेल तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए वोल्टा वोल्टा ने जो है वो बैटरी का आविष्कार किया था और ये है वोल्टा क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हम इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड पावर में कौन सा एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है तो ऑप्शन है आपके सामने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सोलर एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी मतलब कि गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा जो है वो विंड पावर में जो है कन्वर्ट होता है किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक्चुअली इसमें इस होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में जिससे जो है क्या होता है जनरेटर को मूव कराया जाता है और उससे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हम न्यूक्लियोन इज ए कॉमन नेम फॉर ये न्यूक्लियन जो है वो किसका कॉमन नेम है तो ऑप्शन आप है आपके सामने प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वनली और न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं न्यूक्लियस बनाते हैं ठीक और कोई भी जो न्यूक्लियस है वो किसका बना होता है न्यूट्रॉन का और प्रोटोन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हु डिस्कवर्ड प्रोटोन प्रोटोन का डिस्कवरी किसने किया था तो ऑप्शन है आपके सामने रदरफोर्ड हेनरी बेक्वेर न्यूटन और सीवी रमन तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने जो है वो प्रोटोन का आविष्कार किया था और यह है रदर क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं हम द फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल यूज होता है वो कौन सा होता है तो so, ऑप्शन है आपके सामने U235, U238, U236 और U239। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए U235 मतलब कि यूरेनियम 235 जो है वो एज ए फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में और ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ का कुंडल कुलम का और ये कहाँ पे है किस स्टेट में है तमिलनाडु में और यूरेनियम जो टू थ्री फाइव है ये क्या है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं हम न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाइट न्यूट्रॉन जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था तो ऑप्शन है आपके सामने जेजेथ थॉमसन जेम्स चैडविक रदरफोर्ड और नन ऑफ दीज तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था और अदरफोर्ड ने किसका किया था इसने प्रोटोन का किया था और एक कौन सा बच गया और इलेक्ट्रॉन तो ये जेजे थॉमसन जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो है डिस्कवरी किया था तो तीनों ध्यान रखिएगा आप न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक जेजे थॉमसन जो है वो किसका इलेक्ट्रॉन का अदर फोर जो है वो प्रोटोन का ये तीनों से जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं हम ए फ्यूज इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एक फ्यूज जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है वो किस लिए यूज किया जाता है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए ब्रेक द सर्किट वेन एक्सेसिव करेंट फ्लोज थ्रू द सर्किट मतलब सर्किट को ये ब्रेक कर देता है जब ज्यादा करंट अगर सर्किट से फ्लो होता है और फ्यूज जो है जनरली किसका बना होता है लेड एंड टीन का जो एलवाई होता है उससे ये बनता है और एक अच्छा फ्यूज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए इससे होता क्या है कि जब ज्यादा करंट फ्लो होता है तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो गर्म हो जाता है और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो जल्दी गल जाता है और सर्किट को क्या करता है ब्रेक कर देता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है तो करंट जो है आगे फ्लो नहीं होता है और इससे जो है बड़े बड़े एक्सीडेंट को बचाया जा सकता है तो इसलिए जो है फ्यूज का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में इस वीडियो के बाद हमने 130 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये डेली एमसीक्यू 10 का दम में हमने कर लिया है फिजिक्स से सो वीडियो को आप डेली बेसिस पे देखिए और इस वीडियो को आप डेली फॉलो कीजिए सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में टेन नए सी के साथ और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू